सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिनों से यार आपकी कमेंट आ रही थी कि क्यू एन ए लाओ, तो आज हम थोड़े बहुत मतलब फ्री थे तो सोचा कि चलो क्यू एन ए बना लेते। बाकी राजस्थान से हमारे भाई तेजवीर भाई आए, तो इनका रोल एक्सपेरिमेंट करके चैनल है, तो ये अजय मतलब ऑडियंस बनकर हमारे से क्वेश्चन पूछेंगे और हम उसका आंसर देंगे। तो चलो भाई थोड़ा बहुत अपना भी परिचय दे दो। हाँ भाई, मेरा नाम तेजवीर है, आप बता दिया इन्होंने। और इन्होंने कल है ना एक मुस्टैंग के साथ में पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर ही, और इन्होंने ऊपर पूछा था कि भाई क्यों इन्हें वीडियो आने वाली है, सवाल वगैरह पूछना वो पूछ लो। तो मैं एज ए ऑडियंस की तरह इनसे सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं टॉप कमेंट से लेने वाला है, ठीक है। तो एक तो भाई अल्फाज के बारे में टीम वाला, ये थोड़ा लास्ट में रिप्लाइंग करेंगे इसका, ठीक है, लास्ट में, ओके। बाकी एक वीडियो करने में कितना टाइम लगता है, एक वीडियो पूरा कंटिन्यू करने में? हाँ, एक वीडियो आप अगर 10-15 मिनट का व्लॉग बनाते हो कितना टाइम लग जाता है आपको? देखो, एक तो सबसे पहले उसको पूरा दिन हम शूट करते हैं, मतलब व्लॉगिंग का है तो पूरा दिन उसको शूट करना पड़ता है, और दूसरे दिन उसको 3-4 घंटे एडिट करना पड़ता है। तीन चार घंटे मतलब कि एक दिन से ऊपर ही टाइम लग जाता है? एक दिन से ऊपर। अभी क्या नया नया है तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, बाकी जैसे ही यहाँ पर मतलब फोकस करेंगे हम 100% तो अच्छा मतलब हो जाएगा टाइम में मैनेजमेंट। हाँ, तो दूसरा सवाल है यहाँ पर है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है? गाड़ी तो एक वेगनार ही है। हाँ, वो जो कि इस तरफ पड़ी, आप कैमरा घुमा के दिखा सकते हो, घुमा कर देख सकते हो। और तीसरा सवाल ये है कि भाई छोटू भाई, आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे अभी तीसरे महीने के 29 तारीख मार्च को है, तो विश कर देना जरूर से। ओके, तो एक और भाई ने सवाल पूछा है आरडी किलर 90, जो कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है? फेवरेट कार है वो टाटा की हेरी, नहीं मस्टैंग तो नहीं, टाटा की हेरी है, ब्लैक वाली, तगड़ी दिखती है। और सवाल यहाँ पर लेने वाला हूँ, एक तो भाई ने पूछा कि राजकोट में कहाँ रहते हो, ना ये थोड़ा रिवील वगैरह नहीं करता? रिवील हो जाएगा तो मतलब थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है। और आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? फेवरेट आईपीएल टीम तो मतलब मुंबई इंडियंस ही है। मुंबई इंडियंस, ओके ओके। तो अभी और सवाल लेते हैं यहाँ पर, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? वो तो यार मालूम नहीं, क्या पूछते हो यार तुम, ये ऐड वाला यहाँ पर डाल दिया। नहीं वो तो मालूम नहीं है यार, होगा। ओके, और आपकी फैमिली के बारे में सवाल है जो कि किन्होंने पूछा है, पटलोबा यहाँ पर नाम है इनका। और इन्होंने पूछा छोटू भाई आपके घर में कौन कौन है, मतलब कि फैमिली मेंबर कितने, आप ये सब बता सकते हो? देखो हम फैमिली मेंबर 4 है, एक मेरी बहन है छोटी है मेरे से, एक मतलब मेरे पापा और एक मम्मी है, मतलब कि चार फैमिली मेंबर। हाँ, और दादा दादी है वो अलग रहते हैं मतलब फैमिली में। ओके, अभी और लेते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके सही सही कमेंट्स है ना वो देख रहा हूँ। आपकी स्कूल बारे में तो कितनी वगैरह पढ़ाई हुई है ये पूछा है भाई? मैं 10th फेल हुई है। 10th फेल? हां 10th फेल हुई, मतलब मेरा मतलब ये 10वीं फेल है? हां 10वीं फेल। क्या बात कर रहे हो, मतलब आपकी गलती से हुआ या फिर? नहीं नहीं, मैंने गलती की नहीं, मतलब मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं। कुल मिला के इंटरेस्ट तो सबका ही नहीं होता, नहीं होता है, मतलब मुझे यूट्यूब के अंदर पूरा फोकस करना था, तो मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, और उसके अंदर मैं पढ़ने के लिए नहीं जा रहा था यार, कुछ सीखा वगैरह नहीं था, तो उसकी वजह से फेल हो गया था। और एक भाई ने पूछा है, प्रीत गेमिंग नाम से चैनल है, और इन्होंने पूछा आपकी एज कितनी है? 19, मतलब कि 19 साल इनकी एज हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो आपकी शादी हुई है या नहीं? शादी यार 19 साल में कौन करेगा। कोई नहीं कोई नहीं गाइस, और सवाल पूछने वाले, फिर लास्ट वाला सवाल लेंगे फिर। आपकी मंथली इनकम कितनी है? मंथली इनकम आपको एक बार मैंने वो मतलब फर्स्ट इनकम, फर्स्ट इनकम वीडियो इन्होंने बना रखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी एक्सटर्नल इनकम होती होगी, खेत वगैरह से ना? हाँ खेत से होती है वो, मतलब एक साल का आप थोड़ा बहुत समथिंग दो लाख का हो जाता है। तो ये मीडियम से नीचे आए थे, मीडियम से नीचे, मतलब खेत से उतना हो जाता है। ओके, और है यहाँ पर सवाल, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, एक भाई ने पूछा है गिव अवे कर रहे हो? गिव अवे? अच्छा गिव अवे मतलब
आप कमेंट करके बता देना गिव अवे, मतलब कौन सा वाला गिव अवे लाए। एक यार वीडियो हम आपको बोला था कि 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, तो एक तगड़ा वाला वीडियो लाने वाले थे, बट उसमें क्या यार अभी कुछ फैमिली मैटर है तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा है यार। हमने पूरी प्रिपरेशन की थी, कैमरा की टीम आ गई थी और जिस सॉफ्टवेयर हमें मतलब शूट करना था वहाँ पर कंप्लीट हो गया था, तो एक काम आ गया तो उसकी वजह से यार पूरा शूट खत्म हो गया और उसकी वजह से यार अभी दिन निकल ही जा रहे। तो आप कुछ हाँ कमेंट करके बता देना कौन सा गिव आपको चाहिए, जो पसंद होगा मैं बना दूंगा। खुशहाल शर्मा ने पूछा है आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है इंडिया में। इंडिया में यूट्यूबर फेवरेट है दिलराज जी, मतलब कि एक्सपेरिमेंट कैटेगरी से है ना। ओके, और बाकी तो यहाँ पर मुझे लग रहा है सेम ही सवाल है ज्यादातर। और गाइस स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये बोल रहे यूट्यूब पर न्यू कंटेंट डाला करो, मतलब कि ये बोल रहे नहीं एक्सपेरिमेंट में तो अभी यार देखो, मतलब कि देखो मेरे टीम के अंदर कोई नहीं है, अभी ये भाई आए थे तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत काम हो गया, बाकी टीम के अंदर मैं अकेला ही हूँ और एक गौतम भाई है हमारे, वो यार उनके काम में व्यस्त होते हैं। तो उनको एक्सपेरिमेंट नाम से चैनल है ना, हाँ तो वो हमारे भाई है, वो भी हमें थोड़ी बहुत मेहनत कर मतलब मदद करते हैं, तो हम थोड़ा बहुत आपके लिए कंटेंट लाते हैं, बट यार टाइम की वजह से हमें थोड़ा बहुत मतलब यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड करने में टाइम लग जाता है। तुम्हारे बीवी के कितने बच्चे हैं भाई, फ्यूचर का सवाल पूछते हो आप लोग भी यार, वो ही नहीं वो तो टाइम मशीन में जाएंगे तब देखेंगे। हाँ तब देखेंगे, मशीन बनाएंगे तब, मशीन बनाएंगे तब देखेंगे। ओके, अब यार एक लास्ट सवाल, अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इनसे है ना लास्ट सवाल पूछते हैं, उससे पहले एक और सवाल देख लेते हैं ठीक है। अच्छा कोई हो गया, बाकी यार सब कुछ मुझे लग रहा सेम ही है ज्यादातर। और वीडियो एडिटिंग कैसे करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर है अगर आप? फिल्मोरा में। फिल्मोरा लैपटॉप में आता है? हाँ फिल्मोरा है, उससे मतलब उसके अंदर देखो एक तो हार्ड भी नहीं है और मतलब अच्छी एडिटिंग हो जाती है उसके अंदर। तो लास्ट वाला सवाल पूछ लेते हैं, और इन्होंने पूछा है कि भाई एक्सपेरिमेंट टीवी चैनल से आप क्यों निकले, टीम से? टीम से निकल गया वो तो यार अभी देखो हमारे भाई में कुछ हो गया था अभी अनबुनी। आपकी रिश्तेदारी है क्या? रिश्तेदारी हमारे भाई है तो अभी तो वो मामला सुलटा दिया है। आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? वो मेरे चाचा के लड़के। चाचा के लड़के, तो अभी वो तो हाँ सब कुछ क्लियर हो गया है, तो अभी कुछ दिक्कत नहीं है, तो मैं भी यार कुछ बोलना नहीं चाहता। थोड़ा मैंने भी इनसे पूछा है कि भाई क्या हुआ था, इन्होंने बताया कि बुजुर्गों ने, सही बताऊं तो, कि उन्होंने सब मैटर सुलटा दिया, उन्होंने बोला अब आपको नाम भी नहीं लेना है, कि इनका वो उनका नाम नहीं लेना अपने वीडियोस के अंदर, जो होता है ना कि भाई बड़े बड़े होते हैं भाई निकल जाते हैं टीम से, फिर उनके नाम से व्यूज लेते हैं लोग यार, तो इन्होंने नाम नहीं लिया, मैंने टीवी चैनल का नाम लिया, आपने सुना ही होगा ठीक है। तो इन्होंने भी मना किया था कि भाई यार ये नहीं लेना अपने को, तो मैंने पूछ दिया यार कि पोस्ट डाल लिए भाई उसमें, इन्होंने सबसे ऊपर फेवरेट सवाल वही है, क्योंकि देखो उस पर लाइक भी बहुत ज़्यादा थे तो सवाल देना बनता था, इन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया था ठीक है। तो यह मान सकते हो कि फैमिली मैटर है, सुलटा दिया गया है, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोले तो अच्छा है। ओके गाइस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ठोक लेना लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत।